सभी फिटनेस फ्रीकी भाइयों को हेलो एंड हाय। आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में आज ये बॉल जैसी चीज, दूर से हो सकता है समझ में आ नहीं रहा हो, तो मैं पास से दिखाना चाहूंगा। सेब, बहुत ही डिफरेंट कलर का ये सेब है और ये ही आज हम सब लोगों के बीच में एक बड़ी बेहतरीन सी सुंदर सी चीज है। इसका क्या महत्व आज के दिन में हम चार लोगों के बीच में है। हमारे साथ में है इस समय हरीश, बहुत ही जाने माने ट्रेनर, फिटनेस ट्रेनर, और साथ में भाई है जस्सी, बड़े फिटनेस फ्रीकी बंदे, अच्छी कटीली मसल्स के साथ, और एक भाई यहां पर बैठे हैं जिनके हाथ में माइक भी दिखाई दे रहा है। ये बड़े फिटनेस पैसनेट हैं, बड़े फिटनेस फ्रीकी हैं, अभी तो इनकी एप्स भी निकल गई हैं, आप लोग पता नहीं जानते नहीं जानते। ये अभी अभी रिसेंटली हिमाचल घूम करके आए हैं, मैं समझता हूं कितने दिन का टूर रहा होगा? वन वीक का, अराउंड समथिंग वन वीक। ओके, करीब एक हफ्ता ये हिमाचल गए हैं, और मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि मेरे साथ तो ये जिम पार्टनर भी हैं और मैंने बड़ा मिस किया इन्हें। और ये जब हिमाचल गए तो हिमाचल से जब ये वापस आ रहे थे तो इन्हें लगा कि आज जो मेरे, क्योंकि ये हमारा फिटनेस टेम्पल जो है, इस समय हम मैट्रिक्स जिम में है, मैट्रिक्स जिम जो कि कॉल्टेक्स रोड में काठगोदाम एरिया पर, हल्द्वानी के जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड में है, वहां पर हम हैं। और इसके जो सिरमौर है वो चेतन जी है, जो चेतन जी से हमारे वीडियो को शूट कर रहे हैं। तो ये सेब हमारे दोस्त, जब वहां से हमारे लिए उन्होंने सोचा कि यार क्या लेकर के आना चाहिए अपने फिटनेस फ्री की दोस्तों के लिए, तो उस समय इनके मन में भी वैसा ही ख्याल आया हमारे लिए और इस सेब को लेकर के आए। और जब हमने इसे देखा, इन्होंने बोला एक हिमाचली सेब आपके लिए लेकर के आए हैं, तो हम लोग बड़े खुश हुए क्योंकि हम लोगों को भी ऐसी ही दावत की जरूरत होती है जो हमारी फिटनेस को बरकरार रखे। तो मैं अपने फाजिल दोस्त से पूछना चाहूंगा कि भाई आखिर ये सेब आपके ख्याल में क्यों आया हमें लाने के लिए, हमें खिलाने के लिए? क्योंकि भैया सेब, एक तो हम सारे के सारे फिटनेस फ्रीक हैं, तो मैंने कहा ये सबसे गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है और हाई रिच इन फाइबर है। और बेसिकली जब मैंने ये टेस्ट करा तो मुझे ये दूसरे एप्पल से थोड़ा अलग लगा, मुझे काफी इनरिच लगा ये, तो मैंने लाने का सोचा ये आपके लिए। ये क्या क्या है, ये कौन सा सेब है ये? भैया बेसिकली इसे चाइनीज गोल्डन कहते हैं। चाइनीज गोल्डन कहने का कारण इसका है कि ये प्राइमली चाइना में ही प्रोड्यूस करा जाता है, तो इसकी वजह से इसका नाम चाइनीज गोल्डन है। गोल्डन फ्यूजी एप्पल जैसा जो सुना है हम लोगों ने। जी भैया, वो इसका इंग्लिश नेम है गोल्डन फ्यूजी। ओके, इसकी कोई विशेषता है स्पेशली? स्पेशली विशेषता यह है कि हाई इन रिच इन पोटेशियम है ये। अच्छा, ये हाँ मैंने भी सुना है कि जो ये आप देख रहे हैं बड़ा रसीला सेब है और देखने से ही लालच आ जाएगा आपको। वैसे तो देखने से ऐसा लगेगा कि हरा सा है, मीठा तो होगा नहीं। गोल्डन फ्यूजी एप्पल जैसे रेड फ्यूजी एप्पल की वैरायटी की तरह ही ये है, इसमें आयरन, पोटेशियम और जिंक की अधिकता होती है, और कैरोटीनॉइड के रूप में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट है जो हमें बहुत हेल्प करते हैं एंटी एजिंग के लिए, और डिफरेंट डिफरेंट जो एंटीऑक्सीडेंट्स की अच्छी चीजें हैं वो हमें ये दे रहा होता है। स्पेशली इसमें ये खूबी है और सेब से अलग। लेकिन ये हरा कैसे हुआ, इसके बारे में भी कुछ है शायद ऐसा राज? हाँ भैया, जब इसे प्लांट करते हैं तो सनलाइट में अगर रेड ना हो जाए तो इसको बैग से कवर करते हैं। अच्छा, मतलब कि एक बैग से जब ये उग रहा होता है और उसमें फ्रूटिंग होती है पेड़ में, तो फ्रूटिंग के टाइम पे इसको एक बैग से कवर कर दिया जाता है ताकि इसमें सनलाइट ना पड़े, और सनलाइट ही सेब के रंग को, जो हम अमूमन सेब खाते हैं और लाल सा कर देती है, ये उसे करती है ऐसा। अरे मैं आपको बता देना चाहूंगा कि सेब तो अभी एक ही है, लेकिन हमारे जो दोस्त नील है, ये नील एक पेटी सेब लेकर के आए थे पूरे जिम के लिए, और ये जो पीछे देख रहे हैं ना आप, ये तगड़े तगड़े मुस्टंडे से, इन मुस्टंडों ने वो सेब खा दिए हैं बहुत सारे, और भी कुछ और दोस्त थे जो खा करके चले गए हैं। अकेले 5 सेब तो ये ट्रेनर खा गया हमारा, और ये पीछे जो है 4 सेब इन्होंने भी हजम कर रखे हैं। आपको कैसा स्वाद लगा सेब का, और आप क्या कहना चाहेंगे हरीश? सेब का स्वाद एकदम बढ़िया था, दानेदार टाइप का, मतलब और दानेदार से मतलब क्या हरीश, दानेदार क्या दानेदार? मतलब ज्यादा मीठा भी नहीं और ज्यादा खट्टा भी नहीं, मतलब नॉर्मल जैसा होना चाहिए। तो वो दानेदार वाली फीलिंग समझ में नहीं आई, ज्यादा खट्टे या ज्यादा मीठे से क्या दानेदार वाला टेस्ट है यार, कुछ समझ में नहीं आया। दानेदार मतलब मुंह में ऐसे लगे कि मतलब हाँ कुछ क्रंची टाइप का, फजी टाइप का। अच्छा ठीक है, दानेदार, मुझे लगा कि दानेदार जैसे रोड पे दानेदार वो बिछाते हैं फिर उसका रोड बनाते हैं, ऐसा कुछ दानेदार जैसा। तो ये जब आपके लिए सेब लाए, कैसा अनुभव हुआ आपको? अच्छा लगा मेरे को कि मतलब हमारे लिए खाने को सेब मिलेगा ऐसा फील हुआ? ना ना, दोस्त आए इतने दिन, मतलब दोस्ती वाली फीलिंग आई, मतलब मिस कर रहे थे आप इन्हें? मिस बहुत कर रहे थे, मिस तो कर ही रहे थे, साथ में इन्होंने कहा भी था कि लेके आएंगे तुम्हारे लिए सेब। तो इनका वापस आना ज्यादा अच्छा लगा या सेब का लाना ज्यादा अच्छा लगा आपको? मेरे को तो दोनों अच्छा लगा।
दोनों दोनों ही अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि वो आया लेके आया, अगर वो नहीं आता सेब भी कहां से आता। तो आज आपको जो है सेब का आनंद मिलेगा इनके साथ। जस्सी जी भी साथ में है और कुछ कहना चाहते हैं, हमें ऐसा महसूस हो रहा है बहुत तड़प रहे हैं कहने के लिए। हाँ जी, ये सेब बहुत अच्छा है, मैंने भी खाया है इसको, इट्स अ गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, एंड थैंक यू नील कि आप ये सेब लाए। और नील को शायद आने के लिए भी तो धन्यवाद करना चाहिए आपको। ये तो नील का प्यार है, किसको आना ही था। ओफो। अपने दोस्तों के लिए भी कुछ तो लाना था वहाँ की याद में, इसलिए थैंक यू। एंड बहुत अच्छा सेब है, मैंने ये फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया है। फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया मतलब आपने ना, जैसे कपड़े ट्राई करते हैं, जूते ट्राई करते हैं, बाइक ट्राई करते हैं, ऐसे फर्स्ट टाइम आपने सेब ट्राई किया। बिल्कुल, एक्चुअली ये हमारे उत्तराखंड में जो सेब आते हैं उनसे थोड़ा अलग है, उसका टेस्ट भी थोड़ा अलग है। और दूसरी बात ये है, जो फिटनेस फ्रीक लोग हैं उनको आई थिंक 2 एप्पल तो दिन में खाने ही चाहिए, सो दैट्स व्हाई इट्स अ गुड सोर्स ऑफ। ये हमारे फाइनेंशियल एनालिस्ट दोस्त जसप्रीत की राय है कि हर फिटनेस फ्रीकी को, फिटनेस फ्रीकी क्या, जो नॉर्मल भी बंदा है उसे भी एक दिन में 2 सेब तो खाने ही चाहिए। वैसे जस्सी जी मैं पूछना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब लोग तो कहते हैं कि एप्पल अडे, मतलब एप्पल अडे, एन एप्पल अडे, मतलब कि एक एप्पल एक दिन में, और आपने 2 एप्पल की रिकमेंडेशन दी है, कहीं ज्यादा तो नहीं हो जाएगा? 2 एप्पल मैंने इसलिए कहा, जैसे अब कई सारे बंदे हैं, कई बनाना प्रेफर करते हैं एक्सरसाइज से पहले ही। हाँ। कई बनाना थोड़ा हैवी हो जाता है, एप्पल थोड़ा लाइट रहता है। ओके। तो एक गुड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। दूसरी बात, जब बंदे शाम को जाते हैं वॉकिंग पे या शाम को भी जिम करते हैं, तो उसके पहले भी या उसके एक्सरसाइज के बाद में भी ये गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब ये बॉडी की एनर्जी को बहुत अच्छे से मेंटेन रखता है और उसको बहुत अच्छे से उठा भी देता है। मतलब कि हमें दिन में जब भी एनर्जी की जरूरत पड़ रही है एक्सरसाइज के बाद, पहले दिन में भागने दौड़ने के लिए, तब आप सेब खा लो, क्यों जस्सी जी? बिल्कुल। तो फिर 2 सेब भी नहीं, हमें इनकी पेटी भर सेब की जरूरत होगी। वैसे मैं बता देना चाहूंगा, जो सेब है एक्चुअली दुनिया का हर डॉक्टर आपको रिफर करता है, रिकमेंड करता है कि आप सेब खाइए, सेब आपको बेहतर हेल्थ देगा फ्रूट्स में। तो सेब, सेब का राज है, क्योंकि बहुत तरीके से ये आपकी हेल्थ को अच्छा करता है। हम कहेंगे कि जो आपकी गट हेल्थ है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो गट है, गट हेल्थ को बहुत अच्छा कर रहा है। कैसे कर रहा है? क्योंकि इसमें फाइबर्स हैं बहुत सारे। जो अच्छे फाइबर्स हैं वो आपके डाइजेस्ट तो नहीं होते हैं, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसे पार्टिसिपेट करते हैं कि आपके डाइजेशन को बहुत अच्छा रखते हैं, तो गट हेल्थ को अच्छा रखते हैं। साथ ही ब्रेन हेल्थ, ब्रेन हेल्थ क्योंकि एज के साथ, स्पेशली एज के साथ डिक्लाइन करती है। हमारे शरीर में एसिटिल कोलाइन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो एज के साथ डेक्लाइन करता है, कम हो रहा होता है, तो उसे ये बनाए रखता है, क्योंकि अगर वो डेक्लाइन करेगा तो हमारी कॉग्निटिव जो क्षमता है पहचानने की, सोचने समझने की क्षमता, वो कम होती जाएगी एज के साथ। तो इसमें वो चीज है जो हमारी ब्रेन को भी बहुत अच्छा कर रहा है, साथ ही लंग्स को अच्छा कर रहा है। लंग्स के लिए, लंग्स की गुड हेल्थ के लिए जरूरी है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो लंग्स के लिए बहुत बेहतर होते हैं। और जो लोग वेट मैनेजमेंट करना चाहते हैं, वेट को गिराना मतलब लूज करना चाहते हैं, उसे मैनेज करके रखना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि ये फुलर फील कराता है। जब आप इसे खा लेते हैं तो आपको एपेटाइट को, आपकी भूख जो बहुत लग रही होती है उसको डिक्रीज करता है, सेटाइटी फील कराता है, फुलर फील कराता है। तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत बेहतर चीज है। तो सेब इस प्रकार से हमें बहुत सारी अच्छी चीजें दे रहा है। हाँ, साथ ही ये एक और बेहतर चीज करता है जो हेल्दी लेवल ऑफ ब्लड शुगर को मेंटेन करता है बॉडी के अंदर, तो इसलिए भी ये बेहतर है। और हमारे हार्ट के लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि हार्ट में जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है उसको ये लेवल पर, ठीक लेवल पर मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो इसीलिए दुनिया के सारे डॉक्टर्स इसको रिकमेंड करते हैं कि हम सेब खाएं। खैर, हमारे सामने इस समय सेब ही नहीं, गोल्डन फ्यूजी और रेड फ्यूजी सेब है, और इसके लिए हम सभी जो हैं अपने मित्र के बहुत आभारी हैं। आप लोग क्या आभार प्रकट करना चाहेंगे जस्सी जी? माइक जी, आप हमसे कुछ और स्नेह पूर्वक सेब से संबंधित चीज कहना चाहते हैं तो आप बहुत आमंत्रित। बस बेसिकली भैया, ये किन्नौर से लिया हुआ है, बेसिकली हिमाचल के जो सेब आपके फेमस हैं वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के ही हैं। तो मैं किन्नौर गया हुआ था, सांगला एक एरिया है, वहां से लिए ये, और ये कोई शॉप से नहीं लिए गए, पर्टिकुलरली फार्मर से लिए हुए हैं।
तो मेरे फिटनेस फ्री की दोस्त ने, ऐसे होते हैं फिटनेस पैसनेट लोग, इन्होंने वहां जाकर भी सुबह डिप्स और रनिंग से अपनी फिटनेस को मेंटेन करने की कोशिश करी उस एक हफ्ते के दौरान जब इन्हें कुछ नहीं मिला, और साथ ही हमारे लिए सेब लाए और खुद भी ऐसी ही बेहतरीन चीजें इन्होंने खाई। हम सभी इनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आपसे मिलते रहेंगे ऐसे ही फिटनेस के नए नए चर्चाओं पर। आप सभी को विश यू ऑल फिटनेस।